अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बुक्स को फॉलो किया। बहुत सारी बुक्स में मॉडल पेपर्स में पीपीएससी के, एफपीएससी के, एनटीएस के जितने भी मॉडल्स पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उनमें जितने भी पाकिस्तान के रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस थे उनको मैंने इस वीडियो में पुट किया है, जिसमें पाकिस्तान के रिवर्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, सिटीज़, डिविजन्स, उन सब को मैंने यहाँ पर पुट किया है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपका 50% जो नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में, जिसमें रिवर्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स जितना भी है, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की सबसे गहरी जगह कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन ए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। सोन वैली किस जिले में वाके है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। दादू जिला किस सूबे में वाके है? इसका जवाब है ऑप्शन सी। मंडोरा किस लिए मशहूर है? इसका जवाब है ऑप्शन सी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर को क्या कहते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन ए। सिंध की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन डी। गोमल पास पाकिस्तान और किस मुल्क को आपस में मिलाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी। कोट मिठन किस दरिया के किनारे वाके है? इसका जवाब है ऑप्शन सी। नोमल लेक किस जिले में वाके है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा होता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। सोस्ट इज अ ड्राई पोर्ट ऑफ? इसका जवाब है ऑप्शन बी। जिला डीजी खान में कौन सी झील वाके है? इसका जवाब है ऑप्शन सी। फेमस पाकिस्तानी इज लैंड इज? इसका जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा इलाका चेरी के लिए मशहूर है? इसका जवाब है ऑप्शन डी। पाकिस्तान का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ वाके है? इसका जवाब है ऑप्शन ए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ वाके है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। कैद मिलत कौन है? इसका जवाब है ऑप्शन डी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा माउंटेन पास कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन डी। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन ए। मशहूर बाजार अनारकली कहाँ है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट कहाँ पर है? इसका जवाब है ऑप्शन ए। थर डेजर्ट कहाँ पर है? इसका जवाब है ऑप्शन सी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है?
इसका जवाब ऑप्शन बी। नांगा पर्वत इज रैंक्ड एज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, इसका जवाब ऑप्शन डी। दुनिया की 11वीं ऊंची चोटी कौन सी है, इसका जवाब ऑप्शन बी। दुनिया की 12वीं ऊंची चोटी कौन सी है, इसका जवाब ऑप्शन सी। नांगा पर्वत कहाँ वाके है, इसका जवाब ऑप्शन सी। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, इसका जवाब ऑप्शन डी। उमरकोट कहाँ वाके है, इसका जवाब ऑप्शन बी। मंगला डैम किन दो सूबों के दरमियान है, इसका जवाब है ऑप्शन ए। पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर कौन सा है, इसका जवाब है ऑप्शन ए। नांगा पर्वत की क्या ऊंचाई है, इसका जवाब है ऑप्शन ए। राकापोशी कहाँ वाके है, इसका जवाब है ऑप्शन बी। राकापोशी रैंक्ड एज अ खाली जगह हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इसका जवाब है ऑप्शन सी। तिरचमीर की क्या ऊंचाई है, इसका जवाब है ऑप्शन डी। इंडस रिवर कहाँ बहता है, इसका जवाब है ऑप्शन डी। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, इसका जवाब है ऑप्शन बी। कराकोरम हाईवे की क्या लंबाई है, इसका जवाब है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, इसका जवाब है ऑप्शन सी। मकली कब्रिस्तान किस शहर के करीब वाके है, इसका जवाब है ऑप्शन डी। कौन से सूबे के 9 डिविजन्स हैं, इसका जवाब है ऑप्शन ए। जिना बैराज किस जिले में वाके है, इसका जवाब है ऑप्शन ए। सूबा बलूचिस्तान में कितने डिविजन्स हैं, इसका जवाब है ऑप्शन बी। सूबा बलूचिस्तान में कितने जिले हैं, इसका जवाब है ऑप्शन सी। विच एरिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पंजाब, इसका जवाब है ऑप्शन बी। द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ बलूचिस्तान आर, इसका जवाब है ऑप्शन बी। द लार्जेस्ट एथेंटिक ग्रुप इन बलूचिस्तान इज, इसका जवाब है ऑप्शन ए। द पाकिस्तान्स फ्रूट्स गार्डन इज, इसका जवाब है ऑप्शन ए। तिरचमीर कहाँ वाके है, इसका जवाब है ऑप्शन बी। व्हाट इज द वर्ल्ड रैंक ऑफ तिरचमीर, इसका जवाब है ऑप्शन सी। The highest peaks of Pakistan are located in the range of, इसका जवाब है ऑप्शन ए। How many peaks above 8,000 meters are found in Pakistan,
इसका जवाब है ऑप्शन बी। टू विच माउंटेन सियाचिन ग्लेशियर स्ट्रीम्स डाउन, इसका जवाब है ऑप्शन सी। सियाचिन ग्लेशियर की क्या लंबाई है, इसका जवाब है ऑप्शन बी। बालतोर ग्लेशियर की क्या लंबाई है, इसका जवाब है ऑप्शन बी। बालतोरा ग्लेशियर कहाँ वाके है, इसका जवाब है ऑप्शन बी। सियाचिन ग्लेशियर की क्या ऊंचाई है, इसका जवाब है ऑप्शन ए। हिना लेक कहाँ वाके है, इसका जवाब है ऑप्शन ए। पंजाब इज खाली जगह ऑफ द टोटल लैंड मैस ऑफ पाकिस्तान, इसका जवाब है ऑप्शन ए। पाकिस्तान का कितने परसेंट जमीनी हिस्सा सिंध का है, इसका जवाब है ऑप्शन डी। पाकिस्तान का कितने परसेंट जमीनी हिस्सा केपीके का है, इसका जवाब है ऑप्शन सी। पाकिस्तान का कितने परसेंट जमीनी हिस्सा बलूचिस्तान के हिस्से में है, इसका जवाब है ऑप्शन बी। पाकिस्तान का कितने परसेंट जमीनी हिस्सा इस्लामाबाद का है, इसका जवाब है ऑप्शन ए। पाकिस्तान का कितने परसेंट जमीनी हिस्सा फाटा का है, इसका जवाब है ऑप्शन डी। द शंदूर पास विच इज एट द हाइट ऑफ 12,205 फीट कनेक्ट्स, इसका जवाब है ऑप्शन सी। ब्यास और रावी के दरमियान जो एरिया है उसे क्या कहते हैं, इसका जवाब है ऑप्शन बी। विच पार्ट ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर शीशम फॉरेस्ट, इसका जवाब है ऑप्शन ए। FIA का हेडक्वार्टर कहाँ वाके है, इसका जवाब है ऑप्शन सी। मार्गला हिल्स और फुट हिल्स ऑफ, इसका जवाब है ऑप्शन ए। द मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड इज फाउंड इन, इसका जवाब है ऑप्शन सी। सियालकोट किस वजह से मशहूर है, इसका जवाब है ऑप्शन सी। इंडस रिवर की क्या लंबाई है, इसका जवाब है ऑप्शन बी। अबासीन इज अनदर नेम ऑफ, इसका जवाब है ऑप्शन ए। पाकिस्तान में रेलवे लाइन की क्या लंबाई है, इसका जवाब है ऑप्शन सी। चनाब रिवर की क्या लंबाई है, इसका जवाब है ऑप्शन ए। द ओल्डेस्ट बैराज ऑन इंडस रिवर इज, इसका जवाब है ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द हाइट ऑफ ब्राउड पीक, इसका जवाब है ऑप्शन ए। पाकिस्तान के कौन से जिले में कोई सहरा नहीं है, इसका जवाब है ऑप्शन ए।
maize, rice, and wheat are generally referred as इसका जवाब ऑप्शन बी लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज इसका जवाब है ऑप्शन सी आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पंजाब इसका जवाब है ऑप्शन डी काला ढाका इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इसका जवाब है ऑप्शन ए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कहाँ वाके है इसका जवाब है ऑप्शन बी जरदक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इसका जवाब है ऑप्शन सी बिरानी डैम कहाँ वाके है इसका जवाब है ऑप्शन ए द बिगेस्ट एयर बेस ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन इसका जवाब है ऑप्शन सी चिन्यूट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर इसका जवाब है ऑप्शन ए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉरेस्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इसका जवाब है ऑप्शन सी काला हिरण पाकिस्तान के किस एरिया में पाया जाता है इसका जवाब है ऑप्शन ए मीनार पाकिस्तान की क्या ऊंचाई है इसका जवाब है ऑप्शन बी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है इसका जवाब है ऑप्शन डी द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज इसका जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान डोमेस्टिक डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज ग्रोइंग एनुअली एट द रेट ऑफ इसका जवाब है ऑप्शन ए द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान इज इसका जवाब है ऑप्शन ए इन विच ऑफ पंजाब द रेशियो ऑफ फीमेल्स इन पॉपुलेशन इज 10% मोर देन मेल्स इसका जवाब है ऑप्शन सी How long is the Islamabad-Peshawar motorway? इसका जवाब है ऑप्शन बी पंजाब के किस डिवीजन में सबसे ज्यादा गंदम होती है इसका जवाब है ऑप्शन डी पंजाब के किस डिवीजन में सबसे ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस होता है इसका जवाब है ऑप्शन बी विच सिटी ऑफ पंजाब हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इसका जवाब है ऑप्शन बी आइडेंटिफाई द फर्स्ट पाकिस्तानी हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इसका जवाब है ऑप्शन डी Pakistan's biggest and most powerful radio station is Iska jawab hai option C Kamra is famous for Iska jawab hai option C
Which is the smallest river of Punjab? इसका जवाब है ऑप्शन बी. नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड इन. इसका जवाब है ऑप्शन डी. एरोस्पेस यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन. इसका जवाब है ऑप्शन ए. उमरकोट किस डिवीजन का जिला है? इसका जवाब है ऑप्शन डी. नंबर ऑफ जेल्स फॉर प्रिजनर्स इन पंजाब इज. इसका जवाब है ऑप्शन बी. ननकाना साहिब इज फेमस फॉर. इसका जवाब है ऑप्शन ए.